हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली है 378। आज की मुरली का विषय है वक्त की पुकार। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 14 नवंबर 1978 को। समर्थ की स्थिति में स्थित कराने वाले सर्व समर्थ शिव बाबा अपनी लाडली संगम योगी संतान से बोले। हमारे से बात कर रहे होंगे, तो सदा स्वयं को ऊंचे से ऊंचे बाप के डायरेक्ट ईश्वरीय संतान समझते हुए सदा समर्थ स्थिति में रहते हो। आगे दिनचर्या सारी की सारी, सारे दिन का काम एक ही लाइन में बता दिया, और वो भी प्रश्न पूछते हुए। सदा स्वयं को ऊंचे से ऊंचे बाप के डायरेक्ट ईश्वरीय संतान समझते हुए, फिर सदा समर्थ स्थिति में रहते हो। जैसे बाप सदा समर्थ है, वैसे बाप समान समर्थ बने हो। वर्तमान समय के प्रमाण, जबकि आप सभी पहले से ही समय के चैलेंज प्रमाण एवर रेडी हो, तो समय प्रमाण अब व्यर्थ का खाता नाम मात्र भी नहीं रहना चाहिए। आपका खाता अब व्यर्थ का खाता नाम मात्र भी नहीं रहना चाहिए। वर्तमान समय के प्रमाण, जबकि आप सभी पहले से ही समय के चैलेंज प्रमाण एवर रेडी हो, तो समय प्रमाण अब व्यर्थ का खाता नाम मात्र नहीं रहना चाहिए। जैसे कहावत है, आटे में नमक के समान, ऐसे समर्थ का खाता 99% होना चाहिए। तभी भविष्य नई दुनिया के लिए 100% सतो प्रधान राज्य के अधिकारी बन सकेंगे। अब तो भविष्य राज्य या आपका राज्य, भविष्य राज्य या आपका अपना राज्य, आप सबका आह्वान कर रहे हो। किन्हीं का आह्वान कर रहे हो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी आत्माओं का। समय प्रमाण वर्तमान स्टेज का चार्ट निकालो। समर्थ कितना और व्यर्थ कितना, समर्थ कितना और व्यर्थ कितना, संकल्प और समय दोनों का चार्ट रखो। सारे दिन की दिनचर्या में कौन सा खाता ज्यादा होता है? अगर अब तक भी व्यर्थ का खाता 50% या 60% है, तो ऐसे रिजल्ट वाले को कौन से समय के राज्य अधिकारी कहेंगे? कौन से समय के राज्य अधिकारी कहेंगे? अगर अब तक भी व्यर्थ का खाता 50% या 60% है, क्या जवाब दे सकते हैं? 50-60% व्यर्थ,
अगर अब तक भी व्यर्थ का खाता 50% या 60% है तो ऐसे रिजल्ट वाले को कौन से समय के राज्य अधिकारी कहेंगे? कौन बताएगा? हाँ जी, नहीं आवाज कट रही है। त्रेता के भाई जी, त्रेता के, त्रेता के अंत में कौन आएंगे? कौन आएंगे, 50 वाले 60 वाले? त्रेता के, त्रेता में आएंगे 50 60 वाले। भाई जी, त्रेता के अंत में आएंगे, त्रेता के अंत में 60 वाले और 50 वाला आखिरी होगा। 49 होते ही त्रेता से भाग जाएगा। तो ऐसे रिजल्ट वाले को कौन से समय के राज्य अधिकारी कहेंगे? क्या सत्ययुग के पहले राज्य के या सत्ययुग के मध्य काल के या त्रेता के आदि काल के? आदि काल के विश्व अधिकारी वही बन सकते हैं जिन आत्माओं का वर्तमान समय संकल्प समय पर अधिकार है। ऐसे अधिकारी आत्माएं ही विश्व की आत्माओं द्वारा सतो प्रदान आदि काल में सर्व का सत्कार प्राप्त कर सकते। सेंटेंस को फिर से पीछे कीजिए। ऐसे अधिकारी आत्माएं ही विश्व के आदि काल के विश्व अधिकारी समय संकल्प और समय पर अधिकार है। ऐसे अधिकारी आत्माएं ही विश्व की आत्माओं द्वारा सतो प्रधान आदि काल में सर्व का सत्कार प्राप्त कर सकते। पहले स्वराज्य, फिर है विश्व का राज्य। अभी संगम पर पहले स्वराज्य प्राप्त करेंगे, स्व की कर्म इंद्रियों पर राज्य प्राप्त करेंगे, फिर विश्व का राज्य। जो स्वराज्य नहीं कर सकते वे विश्व के राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए अभी अपने आप को चेक करो, अंतर्मुखी बन, स्वचिंतन में रहो। जो आदि में पहले दिन की पहली सुनाई कौन सी है? आप कौन है? पहली है। मैं कौन? आप फिर इस पहली को अपने संपूर्ण स्टेज के प्रमाण, श्रेष्ठ पोजीशन के प्रमाण, सहज पोजीशन के प्रमाण, पाप द्वारा प्राप्त टाइटल्स के प्रमाण, जो बाप दादा ने समय समय पर हमें टाइटल्स दिए हैं, चेक करो। व्हाट एम आई? ये पहले अभी हल कर, ये पहली अभी हल करनी है। अपने सारे दिन की स्थिति द्वारा स्वयं को जान सकते हो कि आदि काल के अधिकारी हैं या नहीं। हमारे बुद्धि में प्रश्न आए, बाबा ने पहले उत्तर ढूंढ के रखे हुए। प्रश्न में आके फंसा दिया। दिन की स्थिति द्वारा, अपने सारे दिन की स्थिति द्वारा स्वयं को जान सकते हो कि आदि काल के अधिकारी हैं या नहीं, सतयुग के या मध्य काल के अधिकारी हैं।
जबकि लक्ष्य है आदिकाल के अधिकारी बनने का, तो उसी प्रमाण अपने वर्तमान को सदा समर्थ बनाओ। ज्ञान के मनन के साथ साथ अपनी स्थिति की भी चेकिंग बहुत जरूरी है। अपनी स्थिति की चेकिंग करो, हर दिन के जमा हुए खाते में स्वयं से संतुष्ट हो। कौन है स्वयं से संतुष्ट कि जितने मुझे आज सारे दिन में जमा करने थे कर लिए? संतुष्ट हैं या अब तक भी यही कहेंगे कि जितना चाहते हैं उतना नहीं है? अब तक ऐसे रिजल्ट नहीं होनी चाहिए। जो स्वयं से संतुष्ट नहीं होगा वे विश्व की आत्माओं को संतुष्ट करने वाला कैसे बन सकेगा? कैसे बन सकेगा? सतयुग के आदि काल में आत्माएं तो क्या प्रकृति भी संतुष्ट है, सतयुग के आदि काल में आत्माएं तो क्या प्रकृति भी संतुष्ट है, क्योंकि संपूर्ण है, संपूर्ण पवित्र है। बबीता क्या पूछना चाहती है? नहीं भाई जी कुछ नहीं, वो दब गया था। अच्छा, प्रकृति भी संतुष्ट है क्योंकि संपूर्ण है, तो संतुष्ट मणि बनो। अब बाबा को हम कुछ बोले? आरपी सैनी भाई जी बोलो कुछ बाबा को, हिम्मत है तो बोलो। समझ अभी क्या समझा, अभी क्या करना है बता दो, पूछ रहे हैं बाबा। समझा है कि नहीं समझा, अभी क्या करना है? और कोई क्लास रिकॉर्ड करने की जरूरत है? भाई बताओ ना आप क्या हो? सेवा के साधन जो अब तक हैं उसी प्रमाण सेवा तो कर ही रहे हैं। सेवा के साधन जो अब तक हैं उसी प्रमाण सेवा तो कर ही रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, उमंग उल्लास भी बहुत अच्छा है, लेकिन सेवा के साथ विश्व की सेवा और स्वयं की सेवा हो। सेवा के साथ विश्व की सेवा और स्वयं की सेवा हो, विश्व के प्रति भी रहम दिल और स्वयं के प्रति भी रहम दिल बनो। ये दोनों साथ साथ चाहिए, दोनों सेवाएं साथ साथ चाहिए। समय का इंतजार नहीं करना है कि तब तक संपन्न हो ही जाएंगे। जब आत्माओं को कहते हो कि कल नहीं लेकिन आज, बाकी आत्माओं को हम कहते कल नहीं आज, आज शाम तक नहीं अभी, अब करो, आज नहीं अब करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ऐसे पहले स्वयं से बात करो कि ऐसे एवर रेडी हैं, ऐसे एवर रेडी हैं। सदा ये स्मृति रहती है कि अब नहीं तो कभी नहीं। ऐसे स्वयं से रू रुहान करो। अच्छा, सुनाया तो बहुत है, अब बाप क्या चाहते हैं? अब सुनाने का समय नहीं लेकिन देखने का समय है।
बाप एक एक रत्न को संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। समझा? एक एक रत्न संपन्न हो, संपूर्ण हो। समझा? ऐसे इशारे से समझने वाले, सुनने और करने की समानता में लाने वाले, सदा समर्थ बाप की समर्थ याद में रहने वाले, समर्थ स्थिति में होने वाले सफलता मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। दादी जी के साथ बातचीत कर रहे हैं बाबा। मां रथियों को देख सब खुश होते हैं, क्यों? क्यों खुश होते हैं? खुश होते हैं क्योंकि मां रथी साकार बाप के समान सबके आगे साकार रूप में संपन्न व श्रेष्ठ हैं। इसलिए महारथियों को बाप भी देख हर्षित होते हैं क्योंकि समान है, बाप समान है, तो समान को देख हर्ष होता है। संगम पर ही बाप बच्चों को सेवा के तख्त नशीन बनाते हैं। ये संगम युग की रसम अपने हाथों से भविष्य में भी तख्त नशीन बनाएंगे। स्वयं गुप्त रूप में तख्त नशीन बच्चों को देखते भी सहयोगी भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तख्त नशीन बच्चों को ही बनाते। ये रस्म अभी से आरंभ होती है, संगम युग से। करण करावन हार है तो करण हार का भी पाठ बजाया और अभी करावण हार का भी पाठ बजा रहे हैं। बाप का तख्त होने के कारण तख्त नशीन होने में बोझ अनुभव नहीं होता। बाप का तख्त होने के कारण तख्त नशीन होने में बोझ अनुभव होता अनुभव नहीं होता, क्योंकि बाप का तख्त है ना, बाप के तख्त पर बैठना तो सहज होता है। बाप ने स्वयं तख्त नशीन बनाया है, इस निमित्त बनने का तख्त कितना सहज है। तख्त की विशेषता है, इस तख्त में ही विशेष जादू भरा हुआ है जो मुश्किल सेकंड में सहज हो जाती है। इस निमित्त बनने का तख्त समय प्रमाण, ड्रामा प्रमाण, सर्वश्रेष्ठ तख्त और अति सफलता संपन्न तख्त गाया हुआ है। जो भी तख्त पर बैठे सफलता मूर्त, ये अनादि आदि वरदान है तख्त को, ये अनादि
आदि वरदान है तख्त को। इस तख्त के नशीन, इस तख्त के तख्त नशीन भी बड़े गुह्य रहस्य हैं। इस तख्त के तख्त नशीन भी बड़े गुह्य रहस्य हैं और राजयुक्त आत्माएं ही बनती हैं। राजयुक्त आत्मा कौन सी होती है? ऐसी कोई आत्मा देखिए जो राजयुक्त आत्माएं, नहीं देखी राजयुक्त आत्मा? नाराज आत्मा देखी है? नाराज आत्मा भी नहीं देखी आपने? नाराज आत्मा देखिए जो रात को नहीं जाता, जो रात को राज को नहीं जान, नहीं जानने वाले। और जो राज, जो राज को जानते उसे क्या कहते हैं? राजी, वो है राजी। जो राजी होते हैं उसे कहते हैं राजयुक्त। जो आत्मा राजी है वो राजी है भाई, वो राज को जानती है। वो नाराज है वो राज को नहीं जानती। जो नाराज है वो राज को नहीं जानती और जो राजी है वो राज को जानती है। ये सारे बोलते हैं हम रोजाना अपने मुंह से बोलते थे। वो तो राजी तो सारा राज बता दिया भाई, जो बिल्कुल गलतियां हमारी तरफ से हो रही हैं। वो कहीं से भी हो, पर तो बाबा जो पूछ रहे, बाबा की बात समझो ना कि बड़ी गुह्य और राजयुक्त आत्माएं ही बनती है, बड़े गुह्य रहस्य और राजयुक्त, जो राज को जानने वाली है, राजयुक्त है, वह आत्माएं ही बनती हैं। बाप दादा महारथियों को वर्तमान समय भी डबल तख्त नशीन देखते हैं, एक तख्त पर नहीं, डबल तख्त पर देखते हैं। आंखें खराब हो जाती है ना जब दो दो दिखाई देती हैं, ऐसे होगा? नहीं भाई जी, एक पवित्रता का तख्त, एक बाबा के तख्त और दूसरा वो बाबा जो पवित्रता करता तख्त देखने को। समय भी डबल तख्त, इस समय भी डबल तख्त नशीन देखते हैं। दिल तख्त तो है ही, लेकिन ये निमित्त बनने का तख्त बहुत थोड़ों को प्राप्त होता है, बहुत थोड़ों को प्राप्त। ये भी राज बड़े गुह्य हैं। स्पष्ट हुआ? राजयुक्त आत्माएं बनती हैं। बाप दादा महारथियों को वर्तमान समय भी डबल तख्त नशीन देखते हैं। दिल तख्त तो है ही, लेकिन ये निमित्त बनने का तख्त, निमित्त बनने वाला भी तख्त है, बहुत थोड़ों को प्राप्त होता है। ये निमित्त बनने वाला तख्त किसको समझ में आ रहा है? बाबा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, जो दूसरों को इस दिल तख्त पर बैठने के निमित्त बने, बिठाने के नहीं। मूर्त आत्माएं, कारना मूर्त आत्माएं, जो अन्य आत्माओं को बाप दादा के दिल तख्त पर बिठाने के निमित्त बने। दिल तख्त तो है ही, लेकिन ये निमित्त बनने का तख्त बहुत थोड़ों को प्राप्त होता है। ये भी राज बड़े गुह्य है। जो किसी को बाप दादा के दिल तख्त पर बिठाए,
उसको ज्ञान मिलाने का आधार बनता। ये भी राज बड़े गुह्य हैं। अच्छा, मधुबन निवासी भाइयों से, मधुबन निवासियों ने बहुत सुना है। बाकी सुनने का कुछ रहा है? सन्मुख सुना, रिवाइज कोर्स सुना, अब बाकी क्या सुनने को रहा? जितने तीर भरे हैं उतने छोड़े हैं, जितने तीर भरे हैं आपने कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, उतने छोड़े हैं, चलाए हैं वो तीर के बस वहीं रखे हैं। मधुबन निवासियों को तीन प्रकार की सर्विस का चांस है। किस प्रकार की सर्विस का विशेष चांस है? विशेष मधुबन निवासियों को सहज सर्विस का साधन ये वरदान भूमि या चरित्र भूमि का आधार है। इस भूमि के चरित्र की महिमा अगर किसी आत्मा को सुनाओ तो जैसे गीता सुनने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते जितना भागवत सुनने में। भागवत में और श्रीमद् भगवत गीता में क्या अंतर है, कौन बताएगा? एक है भागवत और एक है श्रीमद् भगवत गीता। भागवत भाई वो है कृष्ण का, चरित्रों के बारे में उसमें जाया है। गीता जो 18 अध्याय होते हैं, जिसमें ज्ञान दिया गया है, वो सूखा ज्ञान है, एकदम सूखा ज्ञान। और वहां लीलाएं हैं, क्या किया, मक्खन चुराया, पत्थर फोड़े, पत्थर मारे, मटकियां फोड़ी, ये किया वो। उसको सब देखना पसंद करते हैं, उसको सब सुनना पसंद करते हैं, पर तो गीता के ज्ञान को बोरिंग कहते। तो ऐसे दुनिया में जो शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं कि गीता को सुनाओ, 18 अध्याय पूरे कंप्लीट करते हैं। किसको सुनाओ? मरने वाले को, जब शरीर छोड़ रहे, जब अभी जिंदा तो है, अभी शरीर छोड़ा नहीं है। नहीं भाई जी, मैं वैसे बता रही हूँ, जैसे दुनिया वालों कोई शरीर छोड़ने वाला होता तो कहते हैं ना। हाँ, मैं जब तक शरीर नहीं छोड़ा तब तक सुनाते हैं ना, परंतु उस टाइम वो क्या करेगा सुनकर? हाँ वो ही है ना, उस टाइम क्या करेगा? उसको तो अपना सांस लेने की प्रॉब्लम है, उसके सांस रुक रुक के आ रहा है, सारे कह रहे हैं जाने वाला है, पैर ठंडे हो गए, टांग ठंडी हो गई, जांघा ठंडी हो गई, हाथ ठंडे हो गए, बस अब ये जाने वाला है, क्योंकि सारे अंग छूटते जाते, ठंडे होते जाते हैं। कुछ नहीं, रेस्ट, एकदम वो गुम होती जाती है। आत्मा शरीर से कुछ भी सुनना देखना समझना उसके लिए कठिन होता जाता है। क्योंकि पहले मैंने सदगुरु को भी पढ़ा, उन्होंने कहा कि इस स्थिति में ना, मतलब 48 सेकंड तक उन्होंने बताया कि आत्मा जब शरीर छोड़ती रहती है तो उस समय वो सारे कर्म उस शरीर के द्वारा जो किया वो तो रिपीट होता उनके मस्तिष्क में, और उससे वो परेशान होती कि हमने ये कर दिया। कुछ भी रिपीट होने का टाइम नहीं है, कुछ भी रिपीट होने का टाइम नहीं है। आत्मा को तो जैसे शरीर छोड़ना है छोड़ना है,
कोई भी सीन या कोई भी बातें याद आनी है वो उस आत्मा के पार्ट में है तो उसे याद आएंगे। सबके लिए नहीं है ये। अब जिसका शरीर किसी बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण, मतलब अचानक ही छूटता है, उसको तो कोई टाइम है ही नहीं ना, क्यों पहले से प्लानिंग करेंगे, क्या सोच, क्या करना है, क्या करना है। उसको आता है जो पुराने ख्यालातों में चला जाता है। तो ऐसे प्रैक्टिकल चरित्र सुनने का साधन मधुबन वालों को है। इस स्थान और चरित्र का भी परिचय दो, इस स्थान और चरित्र का भी परिचय दो तो आत्माएं खुशी में नाचने लगेंगी। जब भी कोई आता है तो विशेष चरित्र भूमि को जानने और अनुभव करने आते हैं तो मधुबन निवासी भागवत द्वारा सर्विस कर सकते हैं कि यहां ऐसा होता है। तो आप लोग धरनी की विशेषता का महत्व सुनाने के निमित्त हो, जिस नजर से सब आत्माएं एक एक रतन को देखती हैं, उसी तरह उन्हें बाप की तरफ आकर्षित करो तो कितनी सेवा है। यहां बैठे हुए प्रजा बन सकती है या फैमिली बन सकती है। जैसे ताजमहल में गाइड्स कितने रमणीक ढंग से ताजमहल की हिस्ट्री सुनाते हैं, ऐसे चरित्र सुनाओ। यहां मधुबन में पांडव भवन में कोई आए उसको चरित्र सुनाओ कि यहां क्या होता था, तो उन्हें सहज ही याद रहेगी और उस सेवा का फल आपको मिल जाएगा। जो भी आवे उसको खुशी खुशी से, उमंग से, लगन से, महत्व में स्थित हो करके अगर महत्व सुनाओ तो बहुत अधिक फल ले सकते हैं। क्या कहना चाह रहा है बाबा, किसको समझ में आ रहा है? जब आप में से कौन कौन मधुबन नहीं गए, मधुबन नहीं गए वो बोले जरा, जो माउंट आबू नहीं गए हैं, पांडव भवन नहीं गए हैं, सभी गए हैं, ठीक है? तो अब आप आसानी से समझ सकेंगे। पांडव भवन में आप जब भी जाओ, जिनको भी लेके जाओ, जैसे ताजमहल के बारे में वो सबके एक एक चीज के बारे में बताना, यहां ये हुआ था, यहां ये हुआ था, ये ऐसे किया गया था, ऐसे किया गया था, ऐसे किया गया था, ऐसे वहां ये बाबा रूम है, ये हिस्ट्री इतिहास रूम, इतिहास हिस्ट्री हिस्ट्री हॉल है जहां बाबा मुरली चलाते थे, ये वो है, उसके बारे में सारा बताओ। और हिस्ट्री हॉल के अंदर सारी हिस्ट्री दिखाई है, वो हिस्ट्री उनको समझाओ। मतलब ज्ञान की बातें तो साथ में है ही, परंतु उन्हें ऐसे ये जो आप चरित्र समझाएंगे कि क्या करते थे, यहां क्या करते थे, यहां क्या करते थे, यहां क्या होता था, यहां क्या होता था, वो सारा बताना। यहां बाबा बैठकर पत्र लिखते थे, बाबा रूम की, बाबा की कुटिया में जाओ, ऑफिस में जाओ, पहले सारा दिखाओ। और यहां बाबा ने शरीर छोड़ा, उनको एक एक चीज ऐसे रमणीकता से समझाओ, सारी जो है ना उनके जीवन में छप जाए, मतलब एक एक बात। मतलब ऐसे घुमाने के लिए मेरे को बहुत शौक होता था, मैं सब ग्रुप को लेके जाता था, मेरी ड्यूटी होती थी कि मैंने सारे ग्रुप को समझाना है। सारे कहते थे भाई जी बस आप सुनाते जाओ सुनाते जाओ सुनाते जाओ, मतलब ये रहता था उनको सारा दिखाना, सारा मेरे को बहुत शौक रहता था। और कितनों ने वहां पर मकान लेके रहने लग रहे हैं, कहते हम तो यही रहेंगे, हम तो जाए ही नहीं अब यहां से, क्या करेंगे उस दुनिया में जाकर। बाकी बहुत सारे भाई बहने लेके जाते हैं, वहां छोड़ देते हैं, देख लो ये बाबा का घर है, जाओ घूमो। उनको एक एक चीज बताओ ताकि वो भविष्य में फिर किसी को पकड़ के रहे तो उनको सारा बताएं।
कि ये है, ये है, ये है, ये है, एक एक चीज बताना। पहले ये बना था, फिर ये बना था, फिर ये बना, फिर क्योंकि पहले हिस्ट्री हॉल था, फिर शांति भवन बना, फिर ओम शांति भवन बना, उनकी कैपेसिटी क्या है, कैसे कैसे बना। यहाँ बाबा कुटिया के पास अंगूर की बेल हुआ करती थी, मम्मा के पहले पहले दिन यहाँ अंगूर उतरे थे, मम्मा ने उसी दिन शरीर छोड़ा था, उस दिन पहले अंगूर उतरे थे और वो अंगूर सबको बांटे थे। ये बातें उनकी बुद्धि में ऐसे छप जाती हैं कि वो भूल नहीं सकते, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। यहाँ वो यहाँ पर अंगूर की बेल थी, ये वो झूला था जहां ब्रह्मा बाबा और मम्मा बैठकर झूला झूलते थे। चलो आप भी बैठो और उस झूले पर झूला झूलो। हमने भी उस झूले पर झूला झूला जहां मम्मा और बाबा बैठकर झूला झूलते थे। बरगद का पेड़ था जहां बाबा बैठ के तपस्या करते थे और मतलब एक एक बच्चों को छोड़ते थे। हाँ, जंगल नीचे नीचे जंगल में नहीं, वो रास्ता था बस स्टैंड को जाने का। ये ऊपर वाला रास्ता तो बाद में बना, वो वहां से ही रास्ता था, वो नीचे गेट से जहां से जा करके और आगे जो है ना बस स्टैंड पर जाते थे, और वो भी बैलगाड़ी पर बैठकर जाते थे, वहां से बैलगाड़ी जाती थी, वहीं से बाबा सब बच्चों को छोड़ते थे। हाँ, सबको अलविदा करते थे। आजकल तो वो रास्ता यूज नहीं होता है नॉर्मली, परंतु पहले पहले वही रास्ता होता था और उस रास्ते से ही मतलब सब बस स्टैंड पर जाते थे। तो मतलब कहने का है एक एक चीज सबको बताना, मतलब उससे जो है ना जिनको आप लेके जाते हो, जिनके साथ जाते हो, उनके साथ वहां पर रिमाइंड करनी है, खुद भी रिमाइंड करनी है और सबको रिमाइंड करानी है। तो एक बार वो जो कर्म भूमि है, चरित्र भूमि है, वो हमारे मस्तिष्क में जो है ना छप जाती है। महत्व में स्थित होकर के अगर महत्व सुनाओ तो बहुत अधिक फल ले सकते हैं। ऐसी सेवा करने से बहुत खुशी रहेगी, तो सेवा भी रही, याद भी रही और प्राप्ति भी रही, और क्या चाहिए बताओ। ऐसे लक्की हो मधुबन निवासी, ये हमें तो नहीं कह रहे, मधुबन निवासियों को कह रहे होंगे। नहीं, हम लोग मधुबन निवासी हैं भाई। हम भी मधुबन निवासी, भाई हैं। क्या बात है। इस वर्ष में विशेष स्वयं और सेवा का बैलेंस चाहिए, स्वयं का बैलेंस चाहिए, स्वयं और सेवा का, स्वयं और सेवा का बैलेंस चाहिए। सेवा के साथ स्वयं की पर्सनैलिटी और प्रभाव या धारणा मुहूर्त का प्रभाव सोने पर सुहागे का काम करेगा। कोई भी देखे तो अनुभव करे ज्ञान मुहूर्त और गुण मुहूर्त, दोनों की समानता दिखाई दे। अभी तक आवाज आती है कि ज्ञान ऊंचा है लेकिन चलन ऐसी नहीं, तो दोनों के बैलेंस का अटेंशन रखने से प्रजा व वारिस दिखाई देंगे। सर्विस के साधन तो बहुत है, अभी धर्म नेताओं तक नहीं पहुंचे हैं। जो लास्ट युद्ध है जिससे चारों ओर आवाज फैल जाए, ये होगा ज्ञान की बात से, जैसे गीता के भगवान की बात से नाम वाला होना है। इसके इसके लिए छोटे छोटे ग्रुप बनाकर चारों ओर पहले कुछ अपने सहयोगी बनाओ। स्टूडेंट कंपटीशन रखी ना, फिर उसमें से एक चुना। ऐसे हर स्थान पर छोटे छोटे ग्रुप बने और फिर उन सब का एक स्थान पर संगठन हो, फिर नाम वाला होगा। ये वर्ष है ही नाम वाला करने का वर्ष। अच्छा, इस मुरली की विशेष बातें, नंबर एक, संकल्प और समय दोनों का चार्ट रखो। आदि काल के विश्व अधिकारी
वही बन सकते हैं जिन आत्माओं का वर्तमान समय संकल्प और समय पर अधिकार है। समय संक वर्तमान समय संकल्प और समय दोनों पर क्या है? अधिकार है। पहले स्वराज्य फिर विश्व का राज्य। जो स्वराज्य नहीं कर सकते वे विश्व के राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। ज्ञान के मनन के साथ अपनी स्थिति की चेकिंग भी बहुत जरूरी है। सेवा के साथ विश्व की सेवा, स्वयं की सेवा हो। जब विश्व की सेवा करेंगे तो स्वयं की सेवा हो। साथ विश्व की सेवा और स्वयं की सेवा हो। विश्व के प्रति भी रहम दिल और स्वयं के प्रति भी रहम दिल बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।